आज हम लोग एक्सरसाइज 7 देखेंगे और एक्सरसाइज 7 है डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले सारे बच्चों को एक बात पता होनी चाहिए कि एंट्री सिस्टम कितने तरह का होता है। एंट्री सिस्टम का मतलब जितने बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होंगे उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड तो करेंगे ना, तो रिकॉर्ड करने का क्या सिस्टम है इंडिया के अंदर, किस तरह से रिकॉर्डिंग होता है ट्रांजेक्शन्स का। जो बिजनेस में कोई परचेज कर रहा है, कोई सोल्ड कर रहा है, कोई बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, कोई बैंक से विड्रॉ कर रहा है, कोई रेंट पे कर रहा है, जितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बिजनेस में उसको लिखने का दो तरीका है, उसको रिकॉर्ड करने का दो तरीका है, दो मेथड्स है एंट्री सिस्टम के। फर्स्ट होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, और सेकेंड सिस्टम जो है रिकॉर्डिंग का वो है डबल एंट्री सिस्टम। पहला कौन सा सिस्टम है? सिंगल एंट्री सिस्टम, दरवाजा भी लॉक कर देना। और दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। दोनों में डिफरेंस क्या है? आप सभी बच्चे जानते हैं इसको। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है किसी ट्रांजैक्शन को एक ही बार रिकॉर्ड करना। चाय बेचने वाला कितना भी रिकॉर्ड करता होगा, जो चाय बेचता है वो, जो सब्जी बेचता है, जो राशन बेचता है, छोटा छोटा जो बिजनेसमैन है, ग्रॉसरी शॉप खोल के, ग्रॉसरी वाला थोड़ा बड़ा हो जाता है, राशन दुकान बोलो छोटा वाला। सिंगल एंट्री का मतलब है कि एक, सिंगल मतलब वन टाइम, एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग, सिस्टम मतलब मेथड, ऐसा मेथड जहाँ पे ट्रांजेक्शन को एक ही बार रिकॉर्ड किया जाता है, और इसमें ऐसा मेथड है जहाँ ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड किया जाता है। अब आप सोचो कि सिंगल एंट्री सिस्टम कहाँ पर अप्लाई होता है, तो बोलता है इट इज़ सुटेबल फॉर अ स्मॉल ट्रेडर, इट इज़ सुटेबल फॉर अ स्मॉल ट्रेडर। जितने छोटे बिजनेसमैन हैं, पान बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, सब सिंगल एंट्री सिस्टम रखता है। सिंगल एंट्री मतलब एक ही बार रिकॉर्ड करता है अपनी डायरी में, आपके पास कोई रिसीप काट के नहीं देता है या सेकेंड कॉपी नहीं देता आपको। लेकिन आप वही चीज़ चले जाएं बैंक में, तो बैंक दो चीज़ दो बार रिकॉर्ड करता है, एक अपने पास कैशबुक में और एक आपको पकड़ा देता है पासबुक। तो बताओ कौन सा अच्छा रहा, सिंगल या डबल? डबल, ये प्रूफ के साथ रहा, आप इसके में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चले जाओ या राशन का दुकान ही बड़ा है ना उसमें चले जाओ, तो दो बिल निकालता है, एक आपको पकड़ाएगा या अपने पास रखेगा, तो डबल एंट्री है ना, डबल रिकॉर्डिंग हो रहा है। एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया, एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया, तो जहाँ किसी ट्रांजेक्शन को दो बार रिकॉर्ड करेंगे वो डबल एंट्री होगा, और जहाँ पर एक बार रिकॉर्ड करेंगे वो क्या होगा? सिंगल। आपके स्कूल में क्या चल रहा है? डबल, वो दो बार होता है, एक स्कूल के पास रहता है, एक स्टूडेंट के पास रहता है, दो इन्फॉर्मेशन, एक आपके पास भी फी कार्ड रहता है, स्कूल के पास भी है, दोनों में रहता है। तो जब डबल एंट्री सिस्टम रहेगा तो कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकता, कोई मिस्टेक नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि आप तो अपने साथ छेड़छाड़ कर लोगे लेकिन जो दूसरा पार्टी के पास है उसमें कैसे लिखोगे। और अगर सिंगल रिकॉर्डिंग है तो क्या है, सिंगल अगर एंट्री कर रहे हैं एक ही बार, हम राशन का दुकान खोल के रखे, आप सब लोग मेरे से उधार खरीदते हो, क्रेडिट खरीदते हो, और मेरे को चढ़ाना है उसमें अपने कॉपी में, अपने डायरी में, तो क्या रात में हम गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं? हो सकता है या नहीं हो सकता है? या कोई बिजनेसमैन ऐसा है जो उधार खा लिया, सॉरी कस्टमर ऐसा है जो उधार खा लिया, पैसा नहीं दे रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके खिलाफ, क्योंकि आप कौन सा सिस्टम रखे हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। तो याद रखना, कॉमर्स आप लिए हैं, कॉमर्स किसके लिए लिए हैं? डबल एंट्री सिस्टम सीखने। सिंगल एंट्री सिस्टम कभी भी सुटेबल नहीं होता है, यहाँ एक करके लिख देते हैं तब समझ में आएगा। और ये किसके लिए अप्लीकेबल होता है? इट इज़ सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेस। बोलता है अनसाइंटिफिक मेथड, और ये जो है साइंटिफिक मेथड है, देख लीजिए। ये बोलता अनसाइंटिफिक मेथड, इसको कोई वैल्यू नहीं देता, और ये मेथड साइंटिफिक मेथड है, हर जगह इसको यूज किया जाता है, यानी कोर्ट में भी आप इस सिस्टम से लेके जाओगे तो कोर्ट भी उसको एक्सेप्ट करता है, और इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि ये सिस्टम बिल्कुल खराब है। अच्छा, सबसे पुराना सिस्टम कौन था हमारी कंट्री में? सबसे पुराना सिस्टम कौन था रिकॉर्डिंग का? तो याद रखना, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट सिस्टम है। सबसे पुराना और सबसे आसान तरीका रिकॉर्डिंग का, इसके लिए
अकाउंट्स पढ़ने का जरूरत भी नहीं है, इसके लिए आपको अकाउंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस रुपया पैसा आता है आप लिख दोगे, लेकिन इसके लिए आपको अकाउंट्स पढ़ने की जरूरत है। इस ये हर आदमी नहीं लिख सकता, और इसको कोई भी लिख सकता है। दूध बेचने वाला देखिए सिंपल लिख देता है अपने हिसाब से, वो लिखता है वो खुद समझ लेता है क्या किए। अच्छा, दूध बेचने वाले के यहाँ कन्फ्यूजन होता है, कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, झगड़ा झंझट किस बात को लेके होता है? बस ये इसी को लेके, किसको जानते हो? उसका नाम है एंट्री रिकॉर्डिंग। या तो दूध कोई ख़रीदा होगा नहीं लिखा होगा, या तो लिखा होगा ख़रीदा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो है। अब पता चला हम नहीं लिए और लिख दिया तो उसको लेके झगड़ा हो रहा है, पैसा दिए हैं और लिखा नहीं है उसको लेके झगड़ा हो रहा है। हम कस्टमर बोल रहे हैं हम पैसा पेमेंट किए, अब दुकानदार बोल रहा नहीं दिए हो, इसको लेके यानी इसका मतलब मेन झगड़े का जो मेन रूट है वो क्या है? एंट्री है, रिकॉर्डिंग है। अगर आपने सही से रिकॉर्डिंग कर दिया होगा तो झगड़ा नहीं होगा। वो इसीलिए सिंगल एंट्री सिस्टम को छोड़ के सारे बड़े बिजनेसमैन कौन सा एंट्री सिस्टम लगाता है? डबल एंट्री सिस्टम। किसी भी ट्रांजेक्शन को दो बार लिखो। बैंक कितने बार लिखता है? दो बार। स्कूल कितने बार लिखता है? दो बार। हर बड़ा बिजनेस दो बार लिखता है, इसलिए वहाँ पे कौन सा सिस्टम लगेगा? डबल एंट्री सिस्टम। इसके फादर का नाम क्या है? देखिए इसके फादर का नाम है लुका पेसियोली। ये तो खैर ये इस दुनिया में जब से दुनिया चल रही तब से ये सिस्टम चल रहा है, इसलिए इसके फादर कोई है नहीं, अपने आप डेवलप हुआ है। इसके फादर है, इसके फादर का नाम क्या है? लुका पेसियोली। कब ये डेवलप किए थे? 1494, याद रखना। कब डेवलप हुआ था डबल एंट्री सिस्टम? 1494 में। डबल एंट्री सिस्टम ये बताता है कि किसी ट्रांजेक्शन में दो आस्पेक्ट होते हैं और दोनों आस्पेक्ट का रिकॉर्डिंग करेंगे। बताओ ट्रांजेक्शन में मिनिमम पार्टी कितना होना चाहिए? अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, खरीद रहा है बेच रहा है कोई, तो मिनिमम पार्टी दो होना चाहिए ना, एक बेचने वाला एक खरीदने वाला। तो बोलता है जो दो मिनिमम पार्टी होगा दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे वो, और रिकॉर्ड एक पार्टी के बुक में करेंगे या दोनों पार्टी के बुक में करेंगे? तो बोलता है दोनों पार्टी के बुक में करेंगे। यही है डबल एंट्री सिस्टम। कोई दिक्कत है? सबसे पहले ये जाने कि एंट्री सिस्टम इस दुनिया में दो है, सिंगल और डबल। सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे बिजनेस के लिए सूटेबल होगा, डबल एंट्री सिस्टम बड़े बिजनेस के लिए सूटेबल होगा। इसलिए इस देश में जितने बड़े बिजनेसमैन हैं वो कौन सा सिस्टम रखते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल का डिमेरिट सुनना शुरू करो, सिंगल को इसलिए अनसाइंटिफिक बोला जाता है। अच्छा बताओ, राशन का दुकानदार अपने दुकान में सामान रखा हुआ है, उसी का स्टाफ कुछ सामान चोरी करके भाग गया, क्या राशन का दुकानदार पकड़ लेगा उसको? रोज़ काउंट करता है कितना बिस्किट बचा है, कितना आटा बचा हुआ है, रोज़ काउंट करता है? कुछ नहीं, कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं, बस वो चला रहा है। उसी का स्टाफ उसको धोखा दे रहा है, उसको नहीं पता चल पाएगा, पैसा निकाल के चल जाएगा, उसको नहीं पता चलेगा। पैसा तो हो सकता है काउंट करके रखता होगा, पैसा चलो ठीक है, लॉकर लॉक करके रखेगा, सामान भी लॉक करके रखेगा। एक बिस्किट का पैकेट गायब, कभी चाय पत्ती गायब, कभी शैम्पू गायब, कभी काजू का पैकेट गायब, पता नहीं चल पाएगा। क्या वो बैंक में हो सकता है? वही स्टाफ का बैंक में नौकरी लग जाए, ध्यान देना। पहले राशन दुकान में नौकरी करता था, यहाँ तो खूब डंडी मारा, खूब सारा चोरी किया, अब उसी का मान लो बैंक में जॉब लग जाए, अब बैंक में कैश डिपार्टमेंट उसका हो जाए, क्या बैंक से वो एक रुपया भी निकाल सकता है? ऐसा क्या बैंक करके रखा है कि बैंक से वो निकाल नहीं सकता और वहाँ से धनाधन मारे जा रहा था? रिलायंस इंडस्ट्री का हज़ारों करोड़ रुपये का पैसा है, एक स्टाफ कभी देख सुने कि चोरी करते पकड़ा गया? ऐसा कौन सा सिस्टम रिलायंस बना रखा है कि हज़ारों करोड़ रुपये में कोई मिस्टेक नहीं? और यहाँ राशन दुकान का बेचारा 10,000 का बिजनेस नहीं है, सिर्फ है ना टेंशन ही टेंशन है बेचारे को, खाना भी खाने गया तो टेंशन में, पता नहीं स्टाफ क्या कर रहा होगा। और रिलायंस का मुकेश अंबानी आराम से सोया हुआ है, 10-15 तरह का बिजनेस है, पूरी दुनिया में बिजनेस बोलता है, कोई टेंशन नहीं। आखिर टेंशन इसको क्यों नहीं है? आखिर वो क्या किया होगा? वही आपको सीखना है। वो क्या किया आपने यहाँ? बच के जाओगे कहाँ? बैंक में डबल सिस्टम लगा दिया, बैंक में कोई स्टाफ कुछ नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं पैसा निकाल सकते, ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया वो। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि चोरी करोगे शाम होते होते आप ही पकड़ा जाओगे। कैश काउंटर में आप बैठे हो और शॉर्ट कर रहा पैसा तो आपको देना पड़ेगा, तो चोरी करके भी क्या फ़ायदा, फिर शाम में पॉकेट से निकाल के देना ही पड़ जाएगा। इसीलिए ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया बिजनेस के लिए जहाँ कोई मिस्टेक ना हो। कौन सा सिस्टम है ये? डबल एंट्री सिस्टम। एक होता है सिंगल, एक होता है डबल। बात समझ आई? तो आप लोगों को कौन सा किस सिस्टम सीखने के लिए आप कॉमर्स लिए हो, सिंगल या डबल? डबल। तो हम लोगों को डबल पढ़ना है, इसलिए आपके चैप्टर का नाम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। हम अभी तक चैप्टर का बेस रेडी कर रहे थे, आपको बेस हम बता दिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और क्या क्या और पढ़ना था।
तो दो सिस्टम। इसके अलावा एक और है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, वो पुराने ज़माने में सोनार लोग लिखता था, बिजनेसमैन लिखता था, जिसको हम लोग बनिया लोग बोलते हैं, गुजराती लोग, मराठी लोग, जो पहले बिजनेस फैमिली था ना, जो पुराना बिजनेस फैमिली, गुजराती फैमिली पहले से बिजनेस फैमिली है, ठीक है, तो और मारवाड़ी फैमिली पहले से बिजनेस फैमिली, तो वो सब लोग जो अकाउंटिंग लगाता था अपने लैंग्वेज में, उसको हम लोग बोलते थे इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। वो भारत सरकार हटा दी कि भैया उस तरह नहीं। तो यही बात ध्यान देना है कि सिंगल एंट्री सिस्टम कभी भी सूटेबल नहीं होता है बड़े बिजनेस के लिए। छोटे बिजनेस के लिए ठीक है, बताओ छोटा पान के दुकान को सरकार अगर बोल दे कि आपको डबल एंट्री सिस्टम रखना होगा, कंपलसरी है, तो बेचारा पान का दुकानदार लैपटॉप खरीदेगा, प्रिंटर खरीदेगा, कोई आया पान खरीदने के लिए तो बोला रुकिए भैया पहले बिल लीजिए, एक बिल प्रिंट करके देगा 10 रुपये का, फिर पान बेचेगा, संभाल पाएगा? सब्जी बेचने वाला सिस्टम रखो, ऑनलाइन बिल दो भैया, अगर ऐसा करना हो तो बर्बाद हो जाएगा, धंधा नहीं चला पाएगा, क्योंकि बेचारा सब्जी बेचता कितना है, उससे ज़्यादा तो उसका लैपटॉप और प्रिंटर में पैसा चला जाएगा। अच्छा, अपने अगर कंप्यूटर चलाने नहीं आता तो स्टाफ रखो, तो पता चला जितना प्रॉफिट सब स्टाफ सैलरी ले ले रहा है, तो अपने का क्या बचेगा? इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि जो छोटे बिजनेसमैन है उसको छोड़ दो, जीने दो उसको, लेकिन जिस दिन आप बड़ा बनने लगोगे उस दिन आपको इसमें से बदल के इसमें आना पड़ेगा, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ढूंढ लेगा इसमें। जिस दिन आप बड़े बिजनेसमैन बन गए, हो सकता है छोटा होटल है आपका, धीरे धीरे ग्रोथ करते करते बड़ा हो गया और टर्नओवर ज़्यादा है, सेल ज़्यादा है, तो आप कन्वर्ट हो जाओ किससे, सिंगल से डबल में, और नहीं कन्वर्ट हो गए तो टैक्स डिपार्टमेंट तो नोटिस दे देगा, क्योंकि भैया आपका ज़्यादा सेल हो रहा है तो आप बड़े बिजनेसमैन गए हो। तो छोटा जो बिजनेस होता है उसको गवर्नमेंट छोड़ दे रखी, ना GST नंबर लेना है, ना इनकम टैक्स देना, कुछ नहीं करना है, सारा फ्री। इसलिए देखिएगा ठेला पर जो, ठीक है, चिकन तंदूरी खिलाएगा वो सस्ता खिलाएगा, क्योंकि उसको GST का टेंशन नहीं है ना, वो GST नहीं देता, और वही चिकन तंदूरी सेम चीज़ खाओगे सेम क्वालिटी का रेस्टोरेंट में, तो वहाँ GST जोड़ देगा 18%, मतलब वहाँ महंगा हो जाएगा आपका। तो महंगा वो बिजनेसमैन ही कर रहा है, वो कभी नहीं चाहता महंगा हो, वो तो गवर्नमेंट महंगा कर रही, वो तो चाहता है भाई सस्ता हम दे, तो भाई जितना यहाँ ये दे रहा है उतने में हम भी दे रहे हैं, बट वो विदाउट GST दे रहा है, उसको GST का टेंशन नहीं है, वो तो टेंशन फ्री और हमारे यहाँ GST है। अच्छा, सिंगल AC वाले रेस्टोरेंट का GST रेट अलग है, डबल AC वाले रेस्टोरेंट का GST रेट अलग है, और ये भगवान वाला जो AC है उसका GST नहीं, तो बिजनेसमैन यहाँ टिकता नहीं, बात समझ गए, यहाँ पे टिक जाता है और यहाँ पे थोड़ा बिजनेसमैन को नुकसान हो जाता है। तो ये याद रखना, सब लोग सबसे पहले सिंगल रखता है, जैसे जैसे उसका साइज़ बिजनेस का बड़ा होते जाता है, वॉल्यूम सेल का बढ़ता जाता है, सेल का क्वांटिटी बढ़ता जाता है, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसमें, डबल में। और आप लोगों को क्या पढ़ना है, डबल एंट्री सिस्टम, कोई दिक्कत है? उसके फादर कौन है, किसने डेवलप किया था, लुका पेसुली, कब डेवलप किया था, 1494, ये इटालियन थे, इटली के पर्सन थे, और ये मैथमेटिक्स का पर्सन था। अब बताओ मैथमेटिक्स वाला कॉमर्स का अकाउंट्स डिजाइन कर दिया, अकाउंट्स का बेसिक चीज़ दिया है, अकाउंट्स डिजाइन ये नहीं किया, सिर्फ एक बेसिक चीज़ दिया है कि अगर आप किसी ट्रांजेक्शन के एक आस्पेक्ट को लिखोगे और दूसरे को इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम बार बार आएगा, और जो इसमें होता है हमेशा। अब एक आस्पेक्ट को आप लिखे, अब बताओ राशन का दुकानदार खुद से अपनी डायरी में लिखेगा तो मिस्टेक हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी हो सकता है कि हम उधार सामान लेंगे और पैसा नहीं देंगे, तो कुछ नहीं कर सकता राशन दुकानदार, कुछ नहीं कर सकता, बस यही कर सकता है सोसाइटी में 10 लोगों के सामने मेरे बुराई करेगा, मेरे बारे में बोलेगा, और कुछ नहीं कर सकता, कोई लीगल एक्शन मेरे ऊपर नहीं ले सकता, क्योंकि कोई प्रूफ ही नहीं। अपनी डायरी में अपने ना हाथ से लिखेगा तो वो प्रूफ माना जाएगा, और अगर आप मानते हो उसको प्रूफ, तो हम भी अपनी डायरी में लिख देंगे सर इस दुकानदार ने मेरे से 5 लाख रुपया उधार लिया, बात समझ गए? तो कोई कोर्ट प्रूफ उसको नहीं मानता, इसीलिए ये कभी भी याद रखना सुटेबल नहीं होता। अब हम लोग यहाँ चलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें दो तरीके से हम लोग इसका अकाउंटिंग देखते हैं, तो रूल्स देखेंगे। अब बताओ डबल एंट्री सिस्टम का फायदा, फर्स्ट बेनिफिट बताओ क्या होगा, डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका रूल्स पढ़ेंगे। डबल एंट्री सिस्टम में दो तरह के रूल्स हैं, ट्रेडिशनल रूल्स और मॉडर्न रूल्स, यानी पुराने नियम और नए नियम। इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो दो चीज़ पढ़ना है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सुने हो कभी आप लोग, बैंक से मैसेज आता होगा डेबिट और क्रेडिट का, आपके पास जब पैसा बैंक में जमा करते होंगे तो क्या मैसेज आता है, क्रेडिटेड, और जब आप विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो क्या मैसेज आता है, डेबिटेड। डेबिटेड मतलब अकाउंट से निकल गया पैसा, और क्रेडिटेड का मतलब डिपॉजिट हो गया। ये जो डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, क्या रटेंगे हम लोग कि बैंक के साथ ऐसा, बिल्डिंग के साथ ऐसा, मशीन के साथ ऐसा, रट्टा नहीं माना। इसका एक कॉन्सेप्ट है और उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ डेवलप करना है, और वही कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे कि आखिर डेबिट एंड क्रेडिट का क्या कॉन्सेप्ट है डबल एंट्री सिस्टम में। डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट का क्या कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे।
तो सबसे पहले डबल इंट्री सिस्टम का कुछ एडवांटेज दिया हुआ यहाँ पे, उसको बता देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेज ऑफ डबल इंट्री सिस्टम, सबसे पहले बताओ क्या लिखा था, अनसाइंटिफिक, ये क्या लिखा है, साइंटिफिक। साइंटिफिक सिस्टम लिख सकते हो, डबल इंट्री सिस्टम साइंटिफिक सिस्टम है, हर व्यक्ति इसको एक्सेप्ट करता है। उसके बोलता है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, डबल इंट्री सिस्टम में बोलता है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, यहाँ जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसका कंप्लीट रिकॉर्ड होगा, सिंगल जैसा नहीं। थर्ड बोलता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दीजिए। और लास्ट है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, टू गिव इन्फॉर्मेशन वेरियस पार्टीज। पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग लिखिएगा क्या लिखा हुआ, देख लो। अगर डबल इंट्री सिस्टम अपने यहाँ अप्लाई करोगे तो क्या बेनिफिट है उसका, तो फर्स्ट लिखा क्या है, साइंटिफिक मेथड है, हर व्यक्ति इसको सही मानता है, चाहे कोर्ट में चले जाओ कहीं भी है, इसको ये परफेक्ट है। दूसरा, इसमें क्या करते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, क्या सिंगल इंट्री सिस्टम वाला कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है राशन? अच्छा, अभी आप किसी बुक दुकान में गए, पेन खरीदे, पेमेंट किए उसको, क्या वो रिकॉर्ड करता है, देखना दो मिनट रुक के। अगर पेन आप खरीदे तो रिकॉर्ड भी करता है, नहीं, पैसा लिया चुपचाप रख दिया, रिकॉर्डिंग भी नहीं करता है, तो क्या कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिलेगा? कंप्लीट रिकॉर्ड कहाँ पे मिलेगा, डबल इंट्री सिस्टम, सिंगल में कंप्लीट नहीं। तो वही यहाँ लिखा है कि कंप्लीट रिकॉर्ड होगा इसमें सारे ट्रांजेक्शंस का, यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंसेस प्रिपेयर करने में हेल्प होगा। अभी आपको समझ नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लेकिन आगे जब बनाओगे अकाउंटिंग में तो ट्रायल बैलेंसेस इससे बनता है, इससे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है जिससे प्रॉफिट पता चलता है, और लास्ट में फाइनेंशियल पोजीशन के बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग इसमें, और इसमें हम लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और दे सकते हैं किसी दूसरे पार्टी को भी, जो पार्टी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे बैंक हमको लोन दिया है तो बैंक को अपने बिजनेस के बारे में बताना है, तो आप डबल इंट्री सिस्टम दिखा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी बिजनेस आपको लोन देने के लिए तैयार होगा अगर आपके पास डबल है, तो सिंगल है तो कोई पूछेगा ही नहीं, भगा देगा पहले, कोई पूछेगा तो है नहीं, चाय तो पिलाना मुश्किल है, सिंगल वाले का कोई वैल्यू नहीं। डबल है तो कोई भी बैंक आपको पैसा देने के लिए तैयार है, कोई भी बिजनेसमैन सामान उधार देने के लिए तैयार है अगर आपके यहाँ डबल है तो, और सिंगल का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए देखिएगा छोटा बिजनेसमैन को लोन भी नहीं देता बैंक। और यहाँ देखो विजय माल्या हज़ारों करोड़ रुपये का लोन लेकर बैठा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री 12,000 करोड़ का जियो को लोन दिया बैंक। अच्छा, जियो नई कंपनी थी, कुछ भी नहीं था उसके पास, फिर भी बैंक उतना दे दिया, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या था, डबल इंट्री सिस्टम। डबल इंट्री सिस्टम कौन सा मेथड है, साइंटिफिक और कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है, बस उस भरोसे पर वो दे दिया उतना पैसा लोन। तो ये सिस्टम सबसे परफेक्ट सिस्टम होता है जिसमें ये सारे बेनिफिट हैं, आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बना के नेट प्रॉफिट पता कर सकते हैं। अच्छा, इस बिजनेस में नेट प्रॉफिट पता करोगे ना, वो नेट प्रॉफिट एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे जो छोटे बिजनेसमैन है ये नेट प्रॉफिट कैसे निकालता होगा, इसका नेट प्रॉफिट निकालने का प्रोसेस बहुत लंबा है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बहुत लंबा अकाउंट बना के तब प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, और ये छोटे बिजनेसमैन कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, बता सकते हैं आप लोग? प्रॉफिट इक्वल टू होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, कल ही तो बता रहे थे, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। देख लो,
फल बेचने वाला इसी से प्रॉफिट निकालता होगा। सुबह सुबह सोच लो कि सुबह सुबह 1000 रुपये का फल लेके हम बैठे और शाम में सारा फल बिक गया, कुछ भी नहीं बचा और 1500 रुपये लेके घर आए, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 है ना, 1000 इन्वेस्टमेंट किए थे शुरू सुबह, और सुबह 1000 का फल लेके सामने रख के बैठे और शाम होते होते सारा फल बिक गया और हम 1500 लेके घर आए, तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 500। सब लोग निकाले, कैसे निकाले? देखिए वही काम किए होंगे, 1500 माइनस 1000, 1500 दैट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल एंड 1000 दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल। तो जब क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये छोटे बिजनेसमैन ऐसे ही निकालता है कि मेरा कितना लगा और कितना आया, बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट है। और कहीं उल्टा हो गया तो लॉस का क्या हो जाएगा? ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल, क्लियर? अगर लॉस हो गया तो क्या करेंगे लोग? लॉस में क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा होगा और क्लोजिंग कैपिटल क्या होगा? कम हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा। जनरली लॉस नहीं होता, हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट होता है बिजनेस में, क्लियर? इसको लिख लीजिए। और ये समझ में आ गया एडवांटेजेस डबल एंट्री सिस्टम का, तो इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। बहुत कम है, बहुत कम डिसएडवांटेज। अब हम लोग पढ़ेंगे डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स क्या है। अभी आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दो ही हम लोगों को कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ, इसको DEBIT बोलते हैं, शॉर्ट में DR लिखा जाता है, डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट को हम लोग CR बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, इसको आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी बोल सकते हैं। तो पहला याद रखना है कि डेबिट आया कहाँ से, डेबिट वर्ड आया कहाँ से। तो पहले लिखा जाता था डेटर्स, डेटर्स, और डेटर से क्या बन गया? डेबिट। पहले डेटर लिखा जाता था, डेटर से क्या बन गया? डेबिट, ये डी और ये आर। और दूसरा वर्ड होता था क्रेडिटर, जो आज भी है, और इससे वर्ड क्या जनरेट हो गया? क्रेडिट। पहले लोग क्रेडिटर और डेटर बोलता था, बहुत पहले जब अकाउंटिंग होता था तो लोग डेटर और क्रेडिटर बोलता था, और अब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगा डेबिट और क्रेडिट। और इस दुनिया में जितने अकाउंटिंग होते हैं बस भाई यही दोनों पर टिका हुआ है, देख लो, डेटर एंड क्रेडिटर। पहले समझो है क्या, उसके बाद लिखने का काम करना है। इस दुनिया में जितने अकाउंटिंग है ना बस यही दोनों पर है, अगर ये दोनों समझ गए तो सब समझ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। डेटर कौन होगा? तो अगर हम अपने लिए बोले, अगर हम अपने लिए बोले तो डेटर मेरे लिए वो पर्सन होगा जिससे हमको पैसा लेना है। फिर से सुनिएगा, अगर हम अपने लिए बात कर रहे हैं तो डेटर मेरे लिए वो पर्सन है जिस जिससे हमको पैसा लेना है, आप सब मेरे डेटर्स हो। और क्रेडिटर मेरे लिए वो पर्सन है जिसको अपने को पैसा देना है, यानी मेरे मालिक अगर रेंट हमसे मांगेंगे तो मेरे लिए वो क्रेडिटर है। तो इस दुनिया में जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर है, और जिससे पैसा लेना है वो क्या है? डेटर है। दैट्स ऑल, अकाउंट्स ख़त्म, इतना ही है। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग एक करके, बात समझ आई? बताओ स्कूल आपके लिए क्या कहलाएगा? दोनों में से स्कूल आपके लिए क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा, आपको पैसा देना होगा ना। और स्कूल आपको क्या मानता होगा? डेटर मानता होगा कि चलो इतने स्टूडेंट एडमिशन हो गया था, इतने सारे डेटर्स हैं। डेटर किसको मान रहा है? जो फुल पेड कर दिया या जिसका फी बाकी है? जिसका फी बाकी है वो उसके लिए क्या कहलाता है? डेटर्स कहलाता है। बात समझ गए? इस दुनिया में और कुछ नहीं है। अच्छा, आप परचेज कर रहे हो, सामान खरीद रहे हो किसी सेलर से, एक दुकानदार है, आप सामान खरीद रहे हो, तो आप अपने लिए सोच रहे हो, तो आप अपने लिए आप दुकानदार को क्या मानोगे? आप अपने आप को सोचो तो दुकानदार को आप क्या मानोगे? क्रेडिटर, क्योंकि सामान खरीदो तो पेमेंट तो करना पड़ेगा ना आपको, तो जिसको पेमेंट करना हो वो क्रेडिटर होगा, और जिसे पेमेंट रिसीव करना हो क्या कहलाएगा? डेटर। और डेटर का ही शॉर्ट फॉर्म क्या कहलाता है? डेबिट, और क्रेडिटर का शॉर्ट फॉर्म क्रेडिट, क्लियर? अब इसका रूल्स क्या है वो समझाते हैं, क्योंकि आप सोचोगे कि हम दो चीज़ सीख गए और सारा अकाउंटिंग कर लेंगे तो थोड़ा दिक्कत अभी होगा, लेकिन एक साल पढ़ने के बाद आप कर सकते हो। तो चलिए रूल्स देखते हैं, कितने तरह के कॉन्सेप्ट हैं, बात समझ आई? डेबिट और क्रेडिट वर्ड कहाँ से बना है? डेटर से बना डेबिट, और क्रेडिटर से बना क्रेडिट। डेटर का मतलब जिससे पैसा रिसीव करना है, इसको हिंदी में बोलते हैं देनदार, जो हमको पैसा देगा। और क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, जो हमसे पैसा लेगा। आज भी अगर पुराना बिजनेसमैन आपको मिलेगा ना तो यही वर्ड यूज करता है जो हम अभी हिंदी में बोले, देनदार और लेनदार। बोलता बहुत सारा देनदारी है, देनदारी मतलब मार्केट में मेरा बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, पैसा वसूलना बाकी है, कलेक्शन करना बाकी है। और अगर बोलता बहुत सारा लेनदारी बढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बहुत सारे लोगों से हमने उधार ले रखा है। बात समझ गए? पुराना बिजनेसमैन के वर्ड से मुंह से यही मिलेगा आपको, देनदारी और लेनदारी। मीन डेटर और क्रेडिटर ही मेन अकाउंटिंग का बेस है। अब कैसे करेंगे डेबिट और कैसे करेंगे क्रेडिट, उसके लिए
उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बोल सकते हैं या डेबिट एंड क्रेडिट बोल सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट करने के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, और एक होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। डेबिट और क्रेडिट करने के दो कॉन्सेप्ट है, एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से चल रहा है, ओल्ड कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। इसी मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अमेरिकन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अमेरिकन कॉन्सेप्ट किस लिए इसको बोलते हैं? क्योंकि इसको अमेरिका डेवलप किया है। इसको कौन डेवलप किया? अमेरिका। इसलिए इसका कॉन्सेप्ट का नाम है अमेरिकन कॉन्सेप्ट। भाई इसको ट्रेडिशनल को आप ओल्ड कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट करने का पुराना कॉन्सेप्ट, और बहुत सारे लोगों में देखते क्या है कि यही कॉन्सेप्ट को रट्टा मार के रखता है, जबकि ये कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं है। बट आपके बुक में भी ज़्यादातर यही कॉन्सेप्ट चलता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट सबसे बेटर है, लेकिन आप भी जब पढ़ोगे ना तो पढ़ोगे, इसको भी हम पढ़ाएंगे, इसको भी पढ़ाएंगे, लेकिन लोग इसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा ईजी पड़ता है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए ये बेनिफिशरी है। तो हम लोग पढ़ते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन में डेबिट और क्रेडिट करने का क्या रूल्स है वो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। तो अगर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में आपको डेबिट और क्रेडिट करना है, अगर आपको डेबिट और क्रेडिट ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में करना है तो क्या करोगे? तो सबसे पहले जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको अकाउंट में बांटा जाता है। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको किसी न किसी अकाउंट में बांटा जाता है। बात समझ आई? नहीं, बैंक में जाते हो ना, बैंक के साथ आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो ब्रांच मैनेजर को बोलो कि सर हम आपके बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, आपके बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। अगर आप बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो सबसे पहले बैंक क्या करवाता है जानते हो? अकाउंट ओपन करवाता है। वही आपको यहाँ करना है। सबसे पहले बैंक ये पूछेगा आपसे कि आप अकाउंट ओपन करो, और किस तरह का नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा? सेविंग खोलोगे, फिक्स डिपॉजिट खोलोगे, रेकरिंग डिपॉजिट खोलोगे, या करेंट अकाउंट खोलोगे? सब चार अकाउंट होते हैं, चारों में से एक पूछेगा आपसे। उसी तरह यहाँ भी जब हम बिजनेस में रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे तो सबसे पहले बोलता है कि नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या होगा, जो आप ट्रांजेक्शन करें वो कौन से अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं? तो दो होते हैं, दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहला काम, अच्छा देखो, अकाउंट्स को ना AC लिखते हैं, शॉर्ट ऑब्लिक देकर। अकाउंट को कैसे लिखते हैं? AC अकाउंट। सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन को किसी न किसी अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो अब देखें कि कितने तरह के अकाउंट होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, पहला होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। पहला कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, और दूसरा क्या हो गया? पहला पर्सनल अकाउंट है, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट में क्यों जाएगा? तो जितने भी तरह के पर्सन अगर नजर आ गया ना ट्रांजेक्शन में, जैसे राम, सोहन, मोहन, कोई पर्सन नजर आ गया तो वो किस अकाउंट में जाएगा? पर्सनल अकाउंट। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन में पर्सन नहीं है तो जाएगा इम्पर्सनल में। जैसे फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, परचेज फर्नीचर। अब यहाँ ट्रांजेक्शन में दो पार्टी कौन कौन सा जानते हो? एक फर्नीचर, एक कैश है। फर्नीचर और कैश, पार्टी का नाम नहीं रहता, कहीं भी आप नहीं नाम लिखेगा। परचेज फर्नीचर में फर्नीचर और कैश रहेगा तो वो कौन सा पर्सनल में आ जाएगा? इम्पर्सनल में, जिसमें पर्सन का इन्वॉल्व नहीं रहता है। अब बताओ, पेन पर परचेज किए या रेंट पे किए? रेंट पे किए तो कोई पर्सन नहीं। आप एक पार्टी है रेंट, एक पार्टी है कैश। तो जब कोई पर्सन नहीं होता उसको इम्पर्सनल बोलते हैं। इम्पर्सनल भी दो तरह का होता है, कल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, आज सिर्फ लिख रहे हैं। पहला होता है रियल अकाउंट और सेकेंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। आज आप लोगों को यहीं तक लिखना है, कल इसके रूल्स के बारे में बताएंगे। फिर से ध्यान दीजिए, इधर कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग यानी डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट दो है, पुराना और नया। तो हम लोग पुराना पढ़ रहे हैं, तो जब पुराना पढ़ रहे हैं सबसे पहले जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके अकाउंट्स में बांटा जाता है। तो लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, दो तरह का, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट दो तरह का, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो अब हमको ये देखना है कि अगर ट्रांजेक्शन में पर्सन नज़र आ गया तो इसमें जाएगा, और पर्सन नज़र नहीं आया तो इसमें जाएगा। कैसे पहचानेंगे कि पर्सन है या नहीं है?
तो वो हम लोग कल आपको बताएंगे कि पर्सनल अकाउंट में कौन जाएगा और इम्पर्सनल में कौन जाएगा। कल हम लोग इसको रूल्स के साथ सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। इसको लिख लीजिए।